नमस्कार मित्रों, हमारे साथ पोला जी हैं जो बॉम्बे से आए हुए हैं और उन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई है आईफैक्स गैलरी में। ये 13 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगी आईफैक्स गैलरी में। यहाँ पे अभी आपने देखा सारिका जी और जो छोटे बाल कलाकार, उनका इंटरव्यू लिया, तो पोला जी उनके गुरु हैं, तो पोला जी बताना चाहेंगे अपना अनुभव। पोला जी आपसे। सर मैं सिंधुदुर्ग जिले से महाराष्ट्र का एकदम कोना, नारायण राणे जी का, माजी मुख्यमंत्री जी का गांव। हाँ जी। तो वहां मैं पिछले 22 साल से जो अंधेरे में लोग हैं चित्रकला के, उनको मैं शिक्षा देता हूँ और वो बचपन से ही उनको मैं उठा लेता हूँ और उनके हाथ में डायरेक्ट ब्रश देता हूँ और अपनी मन की कल्पनाएं उस कैनवास पर उठाने को प्रेरित करता हूँ। वेरी गुड जी। हमारा वो, हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी आपसे सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी मेरे, अभी मेरे पीछे जो चित्र है वो किसी चित्रकला के कॉलेज में नहीं गए हैं, एक ऑफिसर है एक कंपनी के, और वो चाहते थे कि मैं ड्राइंग बनाता हूँ, मुझे सिखाइए। इसके पहले मैंने यहाँ अपेक्स में 4 एग्जीबिशंस किए हैं जिसमें रंगोलियां भी बनाई हैं राष्ट्रपति जी, छत्रपति शिवाजी के टाइम में आपसे मुलाकात हुआ था। जी जी। तो ऐसे, और रंगोली कला ये महाभारत भारतकालीन है, तो उसको भी मैंने अभी तक बरकरार रखा है। राष्ट्रपति जैल सिंह जी ने तो मुझे बताया था, इंदिरा जी के जन्मदिन पर मैंने जो रंगोली बनाई थी तो उस समय बताया था कि ये मट्टी तो है नहीं, हाँ ये तो चित्र बना के रखे, नीचे रखे, इतना उनको अच्छा लगा। अभी आपके पीछे हम लोग देख रहे हैं, ये प्रवीण पावार जी कलाकार हैं। जी हाँ। उनका ये मंदिर वगैरह वो बना रहे हैं, केवल उन्होंने मंदिर का ये विषय लिया है उन्होंने। थोड़ा आगे चलेंगे आप तो साथ में, ये जो है ये भी उन्हीं का है। हाँ जी, प्रवीण जी का। हाँ जी, उन्होंने ऐसे कम्पोजिशन भी किए हैं और ये किए हैं। ये केदारनाथ का चित्र है जी, ये वाला केदारनाथ का चित्र है जी। केदारनाथ की चित्र में एक आपको पक्षी दिखाया है। हाँ जी। वो पक्षी हमारे राम सुतार साहब ने, अच्छा अच्छा, बोले कि मुझे मैं बनाता हूँ और अपनी हस्ताक्षर। हाँ, दिख रहा है राम जी, जी, जी का, राम सुतार जी का हस्ताक्षर। बहुत बढ़िया, बहुत जी पक्षी, एक्सीलेंट। ये यमुनोत्री है, यमुनोत्री। हाँ जी। ये नेपाल का एक मंदिर है। हाँ जी। हाँ, ऐसे बहुत सारे विषय पर उन्होंने किए हैं। एक कलाकार जो है, भले वो ऑफिसर है, वहां से उठ करके, क्लिष्ट कामों से उठ करके, इसके अंदर उनको आनंद आता, आनंद आता है जी। उत्कृष्ट पेंटिंग कला है ये। ये हंसराज गौड़ी है। हाँ जी। कहीं काकोला लेकर के, कोई लकड़ा लेकर के वो कार्य कर रहे हैं। हाँ। और नयापन जो है उसकी ओर वो निकल गए हैं। भले ये इतना सुंदर जो डिजाइन आया है वो दीमक ने बनाया है, लेकिन नेचुरल है, नेचुरल दीमक ने। अब इसको प्रिजर्व कर रहे हैं। जी हाँ, प्रिजर्व कर रहे हैं। इस प्रकार ये भी है। और बाद में सारिका बंका, सारिका जी का भी हम लोग ने इंटरव्यू लिया जी, और उनके चित्र में देखा, उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअल वो करती हाँ जी, सारा स्पिरिचुअल करती है। और पुराने जो ये थे मूर्तिकला, उसको लेकर उसने अपना ढाल करके उसमें नए नए आयाम तैयार किए हुए हैं और नए नए आकार भी उन्होंने प्रस्तुत किए। अभी आपकी जो आपने बताया कि अभी 2020 में आपकी ये पहली प्रदर्शनी है जी, और आईफैक्स में दिल्ली में आप लोग का 3 से 4 प्रदर्शनी होगा जी, जी, तो अभी अगली प्रदर्शनी का अगर तारीख अगले साल तो आप बताइए। रहे हैं जो एकदम फोटोग्राफी की जैसा काम करती है। अच्छा। हाँ, उनको लेके आ रहे हैं कलाकार। हाँ जी। तो हम लोग आपसे अभी रूबरू दोबारा होंगे। धन्यवाद। बोला जी, हम लोग आपसे चाहेंगे ये जो कलाकार हैं इनके बारे में थोड़ा सा परिचित देते हुए। ये जो है वो स्वामिनी लक्ष्मण तर्पे। हाँ जी। वो पत्थर चुनती है सागर के किनारे और उसने ये 4 पैर बनाए हैं। तो पूछा ये क्यों, तो बोले ये सप्तपदी के 4 पद है। पद है।
ये गणेश जी भी उसने विसर्जन करते हुए बनाए हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और ये भी उन्होंने स्टोन्स है, स्टोन्स है। अभी वो चाहती है ये उसका, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट के जैसा अपने आप चित्र बन गया है। पेड़ों पर पक्षी परिंदे हैं। और ये है राम वंजी सुतार, सुतार साहब ने फोटोग्राफ करा है। हाँ, उनको इतना अच्छा लगा कि एक छोटी सी लड़की चंद्रमा पर जाने की ये रखती है, स्वप्न रखती है और बहुत सारे स्टार्स को देखने की इच्छा करती है। इससे प्रेरणा मिलती है आजकल के ये लड़की युवा को। मुस्कान बात्रा है, दिल्ली की है। हाँ जी, और उसने ये फूलों को दिखाया, गणेश जी को भी दिखाया इन्होंने, गणेश जी को। जी हाँ, अलग कलर, गणेश जी सुंदर, मोर है, मयूर को उसने, नेशनल बर्ड है, नेचर को भी किया है। ये भी उन्हीं, हाँ, ये ईश्वरी है, ईश्वरी, ये ईश्वरी, ईश्वरी है, नासिक की लड़की है, नासिक से है। इस समय पहले तो केवल हमारे महाराष्ट्र के बांदा के गांव से, सिंधुदुर्ग नगरी से लोग होते थे। अब मेरे भारत भर में जो विद्यार्थी हैं सब आ रहे हैं। ये चित्र प्रस्तुत किया, वैसे तो बहुत है। 357 अवार्ड राष्ट्रपति जी जी और पंत प्रधान जितने हो गए हैं उन्होंने पुरस्कार पुरस्कृत किए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। उसमें से ये हमारी सारिका बंका एक है जिनको इधर है, हम लोग की मुलाकात हुई उनसे, धन्यवाद। हेलो, फ्रेंड्स, टुडे वी आर द आईपीएस गैलरी। हमारे साथ कलाकार हैं, बाल कलाकार, मैं इनको बोलूंगा। जो नया युग यहाँ पे चित्र प्रदर्शनी हो रही है, इसमें देयर हाउ मेनी टोटल सेवन आर्टिस्ट, और हमारे साथ राइट में एक और आर्टिस्ट है जो कि जिनकी आज प्रदर्शनी शाम को 5 बजे उसका इनॉग्रेशन होगा। तो मैडम थोड़ा सा बोलेंगे, मैडम ये देख के जा रही है, तो इसको आपको कैसा अनुभव लगा इधर चित्र प्रदर्शनी में, कैसा अनुभव है आपका? पेंटिंग्स and small children paintings are very very good. आपको कुछ पर्टिकुलर कुछ लगा है ये जो है किसी चीज में? ये जो है अभी हमारे साथ, yes, okay. ये जो कलाकार है he's near to from Goa side, ये पेंटिंग्स आप पीछे देख रहे हैं, इनका राधा कृष्ण नाम है, राइट? या तो इनको थोड़ा ब्लेसिंग दे दीजिए आप, you can, so you can take the blessing from that. Yes. आपसे इनसे पूछ लेते हैं, आप उधर देख लीजिएगा। राधा कृष्ण, थोड़ा आपको जोर से बोलना है, और आपने कौन सा क्लास में स्टार्ट किया पेंटिंग? फिफ्थ क्लास में क्या? थोड़ा जोर से बोलेंगे, फिफ्थ क्लास में। ओके, तो अभी आपने कौन सिखाता है आपको? घर पे मम्मी पापा सर सिखाते हैं, तो सर का क्या, गुरु जी का आपका नाम? पोलाजी सर। पोलाजी सर, नमस्कार, मैं मिला हूँ सर से। नमस्कार सर, कैसे आप? मामलेकर हॉल में मेरे पोलाजी से मुलाकात हुआ था, वो लोग उधर कर रहे थे सर। सो हाउ डू यू फील, दिल्ली में आपका ये एग्जीबिशन चल रहा है, आईफैक्स गैलरी, प्रीमियर गैलरी है, तो उधर आपको कैसे लग रहा है? अच्छा, कितना पेंटिंग बना लिया आपने अभी तक? 14 है। 14 है, और घर पे बड़े बड़े होते हैं, तो आप क्या पहले स्केचिंग करते हैं? नहीं, डायरेक्ट करते हैं। कैनवस। ओके, क्या मीडियम होता है आपका पेंटिंग का? ब्रश कौन सा? आप वाटर कलर? नहीं, एक्रेलिक। एक्रेलिक है आपका? ओके, आगे चल के आपको क्या बनने का है? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनने का? ओके, तो कहाँ पे लगाएंगे प्रदर्शनी आपका? राष्ट्रपति भवन में लगाएंगे आपका हम लोग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कीप स्टैंडिंग वंस। थैंक यू। अच्छा,
घेतले कुठे घेतले का गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. अभी हम लोग जो है बाल कलाकार राज्य से है उनका इंटरव्यू ले रहे थे और अभी हमारे साथ जो राष्ट्रपति अवार्ड विनर है ये आपका पूरा नाम सारिका बंका जी हैं और इनके गुरु जी सामने देख रहे हैं हम लोग को बोला जी और हम लोग सारिका जी से जानना चाहेंगे कि आपको इधर कैसे लग रहा है आईफेस में ये सब प्रदर्शनी में एग्जीबिशन लगा के. यू टू स्पीक लाउड थोड़ा ऊंचा बोलिए प्लीज. कब कब कंटिन्यू कॉशियस डोंट स्पीक 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 डोंट बी कॉशियस. आई एम फीलिंग ग्रेट इन द राइट. व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस सर व्हेन डिड यू स्टार्ट इन द पेंटिंग आपने व्हिच ईयर कभी आपने शुरू किया व्हाट एज डिड यू स्टार्ट पेंटिंग. बेसिकली आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन पेंटिंग राइट. एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट आई स्टार्टेड पेंटिंग फ्रॉम द लास्ट 2-3 इयर्स. ओके. And somehow I am basically a spiritual artist, which whatever I see, I meditate or whatever I see in my meditation, I like to paint that. Okay. And this is a part of few, these are the paintings, what I see in my meditation. Right. And that's how I started. We are seeing behind us Ganesha, then the some dancing poses are there. Yes. So this is all coming in that meditation, spiritual, very good. And basically, these regions I started meditating is inspiration for me for to start doing paintings. Okay, that is wonderful. First time we are meeting any artist jinko wo dreaming mein bol raha hu. It's something like it's a dream, like you know. It's not like a dream. It's basically what you see from your inside world. Yes, so yes. So how beautiful your inside world is that. Right. That portrait is that okay, portrait. Okay. Whenever you start your whatever the Indian culture, whatever yes. yoga and whatever meditation. Right. Everything is full. It's a very beautiful world inside it. Right. And this is the... राइट. आपको जो राष्ट्रीय जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. आई गॉट प्रेसिडेंट अवार्ड व्हिच ईयर वाज दैट. आई रियली डोंट रिमेंबर दैट ईयर. ओके सो इट्स बीन लॉन्ग टाइम. इट्स माय स्कूलिंग टाइम. बट दिल्ली में मिला आपको राष्ट्रपति भवन पे. आई गॉट एन अवार्ड फ्रॉम अ अभी हम लोग जो है आपके साथ दूसरा जो प्रदर्शनी लगा है थैंक यू सारिका. थैंक यू.